Assalamualaikum और वेलकम अगेन टू माई व्लॉग। अभी मैं हूँ डुसेलडॉर्फ के ओल्ड टाउन में, मैं डुसेलडॉर्फ में रहता हूँ और इसके आज ओल्ड टाउन में, और आज है सैटरडे, जिस वजह से यहाँ पे बहुत आज रश है और ऊपर से यूरो कप भी चल रहा है। अब तो मैच फाइनल ही रह गया है, तो इस वजह से डुसेलडॉर्फ में भी मैचेस हो रहे हैं। जैसे जर्मनी में इस बार यूरो कप हो रहा था, तो इस वजह से भी आज अलग ही किस्म की यहाँ पे गहमा गहमी है। बहुत सारे लोग, भीड़ ही भीड़ है, हर तरफ आवाम आई हुई है और बहुत आज रौनक है। और ऊपर से आज मौसम भी बस ठीक है, कभी धूप आ रही है जा रही है, इसी तरह का मौसम है। और इसी तरह लोग करते हैं। चले मैं दिखाता हूँ आपको डुसेलडॉर्फ। तो बेसिकली ये जो ओल्ड टाउन है, इसका नाम है हैंड्रिश आने वाली। तो ये एक बहुत मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है डुसेलडॉर्फ की। बिल्कुल डुसेलडॉर्फ क्या, इसका एक स्टेट है जर्मनी की वाली एनआरवे, इसकी बहुत ज़्यादा फेमस अट्रैक्शन है। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारे, एक तो ये रेस्टोरेंट्स हैं और कैफेज हैं, लोग यहाँ बहुत चिल आउट करने आते हैं। और उसके अलावा इसी वॉकिंग स्ट्रीट से हम आगे जब जाते हैं तो राइन रिवर आता है। राइन रिवर से बहुत खूबसूरत डुसेलडॉर्फ की स्काई लाइन दिखती है और बहुत रिलैक्सिंग जगह है। तो स्टार्ट में थोड़ा सा पहले शोर शराबे की जगह, रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ पे पार्टीज चलती हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपको रिवर का एक रिलैक्सिंग पॉइंट भी मिलेगा। और आज यहाँ पे परेड चल रही है, बहुत ज़्यादा परेड्स हो रही है। ये डुसेलडॉर्फ का राट हाउस है, राट हाउस कहते हैं म्युनिसिपल ऑफिस को अभी आपको यहाँ पे। और आज यहाँ परेड हो रही है, खैर अभी अख्ताम हो रही है, शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो गई थी। पूरे ये ओल्ड टाउन में होती भी आई है और अभी यहाँ पे अख्ताम होगी, अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं। इस तरह कोशिश करते हैं
पर हम इसी तरह वॉक करते करते ये हम आएंगे राइन रिवर की तरफ। इस तरफ फुटबॉल का फेस्टिवल चल रहा है, यूरो कप। खैर अब तो सिर्फ फाइनल रह गया जो बर्लिन में है। डुसेलडॉर्फ में भी काफ़ी मैचेस हुए, उन दिन तो बहुत ज़्यादा ही रश था, मगर अब फाइनल ही है बर्लिन में और उस वजह से भी। पर अभी तक यहाँ पे सब चीज़ें लगी हुई हैं इनकी। और ये सब हम ओल्ड टाउन से वॉक करते करते अब हम ये आ गए, आगे जाएंगे तो राइन रिवर आ जाएगा। आज सैटरडे और समर आने वाली है तो खूब रश और गहमा गहमी है। कहने को तो समर आने वाली है मगर आप देख सकते हैं सब अपनी अपनी जैकेट्स में, अभी तक जैकेट्स या तो पहनी हैं या लोगों ने हाथ में पकड़ी हुई हैं। बस एक मैं ही हूँ जो आज बगैर जैकेट के निकला हूँ, और जिस चीज़ का मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लिया जैकेट। चेक करें, ये आ गया हमारा राइन दरियाए राइन। यहाँ पर यॉट, नीचे वही रेस्टोरेंट कैफे, और ये डुसेलडॉर्फ की खूबसूरत सी स्काईलाइन। रात को इसका बहुत खूबसूरत व्यू आता है, और न्यू ईयर ईव में यहाँ पे जब फायरवर्क्स होता है तो उसका भी बहुत अच्छा व्यू होता है। और ये जो पीछे इन्होंने इस बार समर के लिए कार्निवल भी लगाया है राइन रिवर के उस साइड पे, तो झूले और इस तरह की चीज़ें हैं। नेचुरली ये होता ही है भाई समर की वजह से इन्होंने फेस्टिवल लगाया है। मुझे नहीं पता कितने दिन का है ये, 10 दिन, 5 दिन, मुझे हर साल लगता है, लास्ट ईयर भी था। और इसी तरह चेक कर रहे हैं आप सब लोग यहाँ बैठ के इस व्यू को ही एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत सारी पब्लिक बैठी है, जैकेट में है नहीं जिस वजह से ठंड लग रही है। तो फिर आई गेस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी और अच्छी सी जगह पे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ।